Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are making liver barbecue plus a patty tikke which is also made from the liver. So pashto mein hum use patty tikke kehte hain. Patty tikke means patty means chupe hue aur tikke to barbecue hota hai. Theek hai, to hum is liver ko charbi mein fold karenge. So it means chupe hue barbecue. Theek hai, ise patty tikke kehte hain. हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली चाहिए. और ये हमारे पास फैट है, बीफ फैट पड़ा हुआ है. हमारे पास चिली फ्लेक्स है, ज़ीरा है और साबुत जो कोरिएंडर होता है हम वो लेंगे. ठीक है, पाउडर फॉर्म में नहीं लेंगे. और ये लीवर हमारा पड़ा हुआ है. ठीक है, ठीक है, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. हम कटिंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं. हम मिर्चों को और जिंजर को और गार्लिक को पील ऑफ करते हैं, फिर उसको हम उसका पेस्ट बनाएंगे. पेस्ट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, गार्लिक को हम उठाएंगे और उसको हम इतना मतलब चॉप करेंगे स्मॉल पीसेस में. और हमने इस तरह करना है, लंबाई में नहीं करना, ताकि हम इसका पेस्ट बनाए ना तो हमें वो हेयरी टाइप मिक्सचर नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये छोटे छोटे पीसेस में हमारे साथ मतलब ये जब हम पेस्ट बनाएंगे तो छोटी पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि वो मुंह में इस तरह ना लगे कि कुछ बाल सा आ गया है. ठीक है, तो हमने इसलिए शॉर्ट स्ट्रिप्स काटी है ताकि इसका पेस्ट बहुत मज़े का बने. यहाँ पर मैं अपना मतलब गार्लिक काट रही हूँ अभी और इसको पील ऑफ कर रही हूँ. ये बहुत ही इजी वे है, मेरा फेवरेट वे है गार्लिक को पील ऑफ करने का, क्योंकि गार्लिक किसी को भी पसंद नहीं होता उसे पील ऑफ करना. तो इसको मतलब छुरी से इस तरह प्रेस करें, देन उसकी मतलब पील ऑफ करें तो बहुत इजीली हो जाएगा. आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोगों को ये तरीका बहुत इजी लगेगा. ओके, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है. हम क्या करेंगे, हम गार्लिक को, जिंजर को और चिली को इस वुडन बाउल में शिफ्ट कर देंगे. और आई गेस चिली यहाँ पे कम थी तो मैंने कुछ और भी चिली उठा ली थी. आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं. बाय द वे, चिली बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी और फिर भी मैंने ज़्यादा ही यूज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा करता है, स्पाइसी टेस्ट आता है. ठीक है, तो आप लोग को जितने स्पाइसी चाहिए आप लोग वैसे ही कर सकते हैं. देखिए, आप लोग देख सकते हैं, साथ ही मैंने कोरिएंडर उठाया हुआ है, साबुत कोरिएंडर, और इसको ऐड किया चट्टू में. ठीक है, हमने इसको बीट करना है, हमें बड़े बड़े पीसेस इसके चाहिए. दैट्स व्हाई मैंने इसको ग्राइंडर में भी बीट नहीं किया, ताकि हमें पाउडर फॉर्म ना मिले. ठीक है, हमें तो हमारा पेस्ट बन चुका है, हम इसको बाउल में शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं उसी बाउल में जहाँ पे हमने पेस्ट निकाला था. यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स को उठाया है. ठीक है, आप लोग को जितना मतलब चाहिए उसी अंदाज से आप लोग ले सकते हैं, लेकिन पठानों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है. और जो पटे तिक्के होते हैं, बिल्कुल ये वैसी रेसिपी है जैसे इस्लामाबाद में अफगान रेस्टोरेंट की रेसिपी है, बिल्कुल वैसे ही मैंने फॉलो किया हुआ है. साथ में नमक उठाया है, ज़ीरा उठाया है. ठीक है, और कोरिएंडर तो ऐसे भी हमने ऐड कर लिया था. तो इसको हम ज़बरदस्त मिक्स करेंगे. वीडियो में लेमन नहीं दिखाया गया क्योंकि वो स्किप हो गया था. आप लोग 3 to 4 लेमन्स भी मतलब इसके ऊपर स्प्रिंकल करें. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एंड आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में. और यहाँ पे हम मिक्स करेंगे अपने मतलब बारबेक्यू को. हमने हाथ से मिक्स नहीं करना, हमने हाथों को कवर कर देना है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली एंड रेड चिली बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई. आप लोग भी हाथों को ग्लव के साथ या किसी शॉपर को हाथ पे चढ़ा के बारबेक्यू मिक्स करें, ताकि आप लोग के हाथ सेफ़ रहें और जलन ना हो बाद में, क्योंकि मिर्चों की जलन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है. ठीक है, यहाँ पे हम बहुत मज़े का मिक्स दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए.
और लेमन को ज़रूर छिड़कना है, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा जो इसका एरोमा निकल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। बंदा कहता है कि बस ऐसे ही खा जाऊँ, लेकिन हमने इसकी बारबेक्यू बनानी है। चले जी, मैंने बीफ फैट डाली है और मैंने इसकी मतलब मेजरमेंट कर दी है ताकि हमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए और हम उसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थिन स्लाइसेस में काट रही हूँ ताकि फिर हम बाद में जब अपने लीवर बारबेक्यू को फोल्ड करें तो मुझे आसानी हो उसमें। ठीक है, तो हम स्ट्रिप्स काटते जाएंगे और साइड पर रखते जाएंगे। ये भी बीफ फैट का दूसरा हिस्सा था, उसे भी हमने काट दिया था और यहाँ पे हमारे मतलब पटे टिक्के बन रहे हैं। ठीक है, पटे टिक्के मतलब हम लिवर को उठाएंगे, उसे बीफ फैट मतलब चर्बी में फोल्ड करेंगे एंड देन उसको मतलब सीख में दे देंगे। ठीक है, और ये देखिए कितने मज़े से मतलब लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मज़े का अरोमा था इसका, बस बंदा कहता है खा ही जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर्स हैं इसलिए इसका अरोमा बहुत ही ज़्यादा पूरे घर में स्मेल कर रहा था। एंड भूख तो वैसे भी बंदे को लगती है और जब ऐसा अरोमा निकलता है तो बिल्कुल ज़्यादा, बस बंदा कहता है जल्दी से बन के आ जाए। गिर गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए पटे टिके भी हो गए, लीवर को भी हमने सिंपल भी दे दिया है सीखों में। अब आते हैं, चलते हैं अपनी कोयले की तरफ, उसको हम इग्नाइट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर बारबेक्यू। इधर आग में जल रही थी तो मैं एक टिप देती हूँ आप लोगों ने क्या करना है, हल्की सी फूंक मारनी है अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो जब हल्की सी फूंक मारेंगे वो एकदम आग लग जाएगी, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत मज़े से मतलब आग लग जाएगी। ठीक है, चले जी, यहाँ पे हमारा मतलब बारबेक्यू हमने कोयला बिछा दिया सारा। ठीक है, स्प्रेड कर दिया है, अभी बारबेक्यू रख रहे हैं और वेट नहीं हो रहा, बस जल्दी से बन के निकल आए। ठीक है, और ये पटे टिक्के, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पटे टिक्के के लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं घर में खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम ही दिखा रही हूँ और बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी ट्राई कीजिए एंड मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसे बने थे। ठीक है, ये देखिए ग्रीन चिलीज एंड चिली फ्लेक्स, मुझे तो बस अभी से ही भूख लग रही है। इस पॉइंट पे हमारा मतलब बारबेक्यू तकरीबन हो गया था मोस्टली, तो हमने क्या किया, लीवर बारबेक्यू तो हो ही गया था, उसे हमने साइड पे जो पटे टिक्के क्योंकि हमने फैट में उसे फॉल्ट किया था तो उससे पकने में थोड़ा टाइम लग जाता, तो दैट्स व्हाई हमने उसको ज़रा से ज़्यादा टाइम दिया। और यहाँ पे हमारी डाइट चली गई थी, देखिए कितना मज़े का व्यू नज़र आ रहा है आप लोगों को कोयले का। चलिए जी, अब अभी इसे डिश आउट करते हैं और चलते हैं इसको मतलब गार्निश भी करते हैं साथ में। ठीक है, चलिए जी, इसको बारबेक्यू को डिश आउट करने के लिए मैंने रोटी को प्रेफर किया कि इसके ऊपर ही डिश आउट करते हैं, और मैंने स्पेशली ये रोटियां मंगवाई थी फ्लैट वाली, इसे काबली रोटियां कहते हैं। ठीक है, ताकि ये हमें बिल्कुल बाज़ार वाला ही मतलब टेक्सचर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बारबेक्यू निकाल दी और इसके ऊपर मैंने कुछ सैलड को गार्निश कर दिया, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। We'll be right back.
बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा है, लेकिन मुझे ये पर्सनली कुछ ये वाली गार्निशिंग मज़े की नहीं लगी। तो मैंने क्या किया, एक और रोटी ली और उसके ऊपर मैंने दो सीख रखे फटे थे केक, ठीक है, और क्या किया उसके ऊपर भी मैंने गार्निशिंग की और ये वाला मुझे पसंद आया, मेरा फेवरेट पार्ट था बिल्कुल। बस मैं कह रही थी कि इसको देखती जाऊँ, इसको बंदा ना ही खाए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े का। आप लोग भी गार्निशिंग में थोड़ी मतलब अगर गार्निशिंग करते हैं ना तो बस बंदा कहता है कि खाते ही जाऊँ देखते ही जाऊँ, ठीक है। तो ट्राई टू डू अ गुड गार्निशिंग, गार्निशिंग से ही हमारा पेट भर जाता है और हम कहते हैं कि वाह जी ये चीज़ तो बहुत ही मज़े की होगी। हालांकि अगर मज़े की ना भी हो तो गार्निशिंग से हमारी जो मतलब हमने जो कुछ भी बनाया होता है बहुत परफेक्ट लगता है, ठीक है। साथ में जो हमने चटनी की है तो वो हमने क्या किया, गार्लिक उठाएं और एक चिली उठाइए और साथ में ज़ीरा उठाया, सिंपल सी चटनी कर दी थी और सैलेड था और इस तरह ही हमने गार्निश कर दिया था। और ये आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है, यम्मी यम्मी। ये देखे पटे थे कि आप लोग को नज़र आ भी रहा होगा, ये मैं फैट हटाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो इतना परफेक्टली उसके साथ चिपक गया है कि बस ज़बरदस्त, ऐसे लगता है कि लीवर का ही पार्ट है। बट जो ये वाइट वाइट नज़र आ रही है ये है फैट, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बस मुँह में पानी ही आ जाए बंदे के। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना मतलब फीडबैक दीजिए और साथ में कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए काइंडली, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, कमेंट करें कि कैसी लगी आपको वीडियो। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।